जैसे मैंने बोला था कि अंदर टक इन करना है तो वही कर रहा भाई जी। कैमरा कामयाब हो गया। ये लो जी सीट कवर हो गए तैयार जी। लो जी अपने ब्रेजा के 70 मैट भी आ गए हैं। लो जी आज है अपने पास ब्रेजा, न्यू वाली ब्रेजा है, अपनी फेवरेट स्मार्ट हाइब्रिड। और हम एक बार फिर से हैं 28 की मार्केट में और बिल्कुल नई ब्रेजा है, इसमें लगेंगे सीट कवर। आज बेस्ट सस्ते सीट कवर ब्रेजा के लिए क्या मिलता है। वो खड़ी है जी अपनी ब्रेजा, काम शुरू हो गया। सीटें खोलनी पड़ती है ना, बकेट सीट लग रही है। दिखाऊं कौन सी पसंद की है। ये पसंद किए हैं भाई, बाकी लगने के बाद ही ज़्यादा समझ में आता आपको। परफोरेशन के साथ है ये भी, और इंटीरियर से मैच होता है थोड़ा। नापा लेदर है, नीचे जो कपड़ा लगता है म्यूर का, मैंने देख लिया था वैसे खोल के, कंपनी म्यूर की। ओके, तो वैसे लगने के बाद दिखाता हूँ आपको कैसा है। ऐसे आएगा ना, पन्नी हटाओगे थोड़ा सा। ये इस टाइप से सर, कमेंट करके बताओ कैसा भाई। बाकी लगने के बाद तो मेरे को उम्मीद है सही लग, बहुत अच्छा अच्छा लुक आएगा ना। दिखा देंगे बार रख के, चलो गाड़ी में रख के देख लेते हैं। इस टाइप से लगेगी भाई, कुछ सही है, उम्मीद थे जैसे वैसे ही लग रही है। और सीटें खुलनी होगी स्टार्ट। जो टॉप मॉडल में इंटीरियर आता ना यहाँ पर, वो ऐसे ही आता ब्राउन वाला, उससे मैच करेगा। अच्छा, सीट के साथ साथ हमने और भी एक्सेसरी ली है। ये भाई के हाथ में जो है कैमरा है और मॉडल के साथ लगता है, एक्चुअली इसमें मॉडल लगेगा फिर ही कामयाब होगा। तो ये वाला कैमरा है, लास्ट में या बीच में कहीं मैं इनका रेट भी बताऊंगा आपको और ये कितना कामयाब हो जाता है वो दिखाता हूँ। ब्रेजा वी एक्स आई मॉडल है। थोड़ा स्क्रैच व्क्रैची ना लगे, थोड़ा ध्यान से प्यार से खुल रहा हूँ। हाँ, और जितनी चीज आप खोलो ना उतनी दोबारा बंद कर देना, कोई मिसिंग ना हो। चलो, ये तो मारुति ने ठीक दे रखा है ना, ऊपर से खुल जाता ढक्कन सा, ये ठीक कर दिया, नहीं तो पूरा सीरियो निकालना पड़ता था पहले। क्या मॉडल कहाँ जो कह रहे थे अंदर मॉडल लगेगा वो? ये है, ये अच्छा, ये बस इतना सा होता है, ये कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करता है। कपलर टू कपलर ही लगेगा, कोई वायर तो नहीं कटेगी? कपलर टू कपलर। इस तरह का काम देखना भाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिसको अपनी गाड़ी से ज्यादा प्यार है, क्योंकि एक बार तो खोलना खोलना पड़ता है ये सब कुछ। नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं, भैया तो कह रहे हैं कोई चक्कर नहीं है, फिर भी थोड़ा दुख होता है एक बार। नई गाड़ी खुलती है ना तो बस, आप ये है कि एक बार में बस कामयाब हो जाए, कोई समस्या ना रहे। कामयाब हो गई 100% है, 101%। बहुत बढ़िया, 101%। ये जो वायर है ना, ये कहाँ लगती है मैं जरूर पूछूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। कंपनी फिटेड स्टीरियो में अगर कैमरा लगाएं तो कैसे लगता है वो सारा बताऊंगा आपको। भैया माप लिया ना, सेंटर है एकदम एकदम सेंटर है, टिल ही हो जाता मामला सेट। बहुत बढ़िया यार, ये अपनी ब्रेजा की सीट है भाई, और ये फ्रंट वाली है जो एक्चुअली सिलाई खोल ली है उसकी, और अभी बकेट करेंगे भैया। फिटिंग थोड़ी सी करवानी पड़ती है ना, एक्चुअली रेडीमेड जो बने रहते हैं उनकी थोड़ी सीटिंग करवानी पड़ती है, सेटिंग से करवा के फिर चढ़ाएंगे इसमें, फिटिंग करवा के थोड़ी। सेम जो अपनी अल्ट्रोज में लगा था वही पसंद कर लिया अपने, स्टीयरिंग कवर भी। और ये देखते हैं, ये टग इन होना चाहिए एक्चुअली, जैसे अल्ट्रोज में लगा था वैसे ही लगाएंगे तो हम लगवाएंगे अभी। एक देखो यहाँ पर खड़ी है ना ब्रेजा, इसमें भी लगा रहा है एक बंदा, ओरन का होता है लेकिन फिर भी उन्होंने टग इन कर दिया। हाँ थोड़ा सही कह रहे हो आप, थोड़ा सा ना उसने दबाने में थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, लेकिन फिर भी कर दिया उन्होंने, इसमें नहीं आता, इसमें आराम से हो जाएगा ये, ठीक है जी। चलो बाकी ये लगा रहा है लड़का, देखो वो देख लेंगे एक बार कैसा लगा है, फिर भाई को आइडिया हो जाएगा भाई हम कैसा चाह रहे हैं। दूसरी ओर खुलना स्टार्ट होगी, इस तरह से सिलाई खोलता है भैया। भैया को मैंने बोला भाई थोड़ा आराम से कपड़ा ना कट जाए। कैमरा वाले भैया से पूछ लेते हैं कहाँ पर कपलर टू कपलर बता रहे हैं ना, कौन से कपलर के साथ मैच हुआ भैया? आप वाली बताना थोड़ा सा एक बार, कौन सी थी ये ब्लैक वाली आपकी है ना? पीछे इसका स्पेशल बना हुआ बना होता है जी जी, ये प्रॉपर बना होता है इसका, और ये कपलर आपने लगा दिया? हाँ जी, अब ये बॉडी अर्थ दे रहा हूँ मैं। अच्छा बॉडी अर्थ दे रहे हो, सिंपल, ये सिंपल बॉडी अर्थ हो गया, ठीक है। और ये आगे वायर जा रही है कैमरे के लिए, पीछे 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 जा रही है जी। और बस वो जो कपलर था वो एक स्लॉट खाली था क्या? हाँ जी, एक स्लॉट खाली होता है। ओके, एक स्लॉट खाली था वो उसमें लग गया और ये कैमरे की वायर पीछे चलेगी, अर्थ दे दिया सिंपल। बस अब जैसे गियर बैक लगाएंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा? नहीं, अभी बैक की तार लगाएंगे, कनेक्शन मारेंगे पीछे, पीछे जो बैक लाइट होती है। हाँ जी, उसको कनेक्शन देना पड़ेगा, मतलब जो रियर का गियर लगाते हैं जब लाइट ऑन होती है उसके साथ दे दोगे? हाँ जी, ये हमने सारा बंद कर दिया है,
पीछे तार ले जा रहा हूँ, पीछे बैक लाइट के साथ कनेक्शन दूंगा। बहुत बढ़िया जी, ये बैटरी होती है दोस्तों जो मैं बता रहा था स्मार्ट हाइब्रिड की। अभी करता हूँ, लो जी चाबी लगा देते हैं ताकि भैया कनेक्शन कर पाए। भैया तो गए हैं अभी कुछ चीज़ लेने के लिए, लेकिन मैं बताता हूँ देखो सिंपली समझने के लिए। ये है इनकी वायर और इन्होंने सिंपल इसमें ना अंदर पिनअप किया है, मतलब काटा नहीं है, मैं सारा चेक कर रहा था। और अब ये है ना बैक जो बत्ती होती है अपनी गेयर की, उसके साथ इसका कनेक्शन करेंगे। थोड़ी वायर लेने के लिए गए, एक वायर तो छिलनी पड़ती है, काटी तो नहीं है भैया ने, लेकिन छिलनी जरूर है ना, लाना पड़ता है उसके लिए। वो देखो कैमरा भी ऑन हो गया, अभी इसको जो है अगर इस पे स्लीव चढ़ाना तो चढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, ज्यादा काटी नहीं हमने बाहर, मतलब छिल लिया है, ये छिल लिया भाई। ये कैमरा अपना एलईडी वाला कामयाब हो गया, लेकिन हाँ ये ठीक है, मेरे को ये डर था कहीं यार। भैया ने कॉन्फिडेंस दिखाया था 101%, तो चल गया, चलो ये बहुत अच्छा काम हो गया। लो जी कैमरा कामयाब हो गया है, अच्छा ब्राइटनेस वगैरह का थोड़ा सा है, क्लियरिटी भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोलेंगे, तो एक बार है ना सारी तसल्ली कर ही लेते हैं भाई। आप सही है, ओके ओके, एक्चुअली कैमरे में कम दिख रहा जी, कैमरा कामयाब हो गया जी, कैमरे का निपटा, अभी सीट कवर्स का काम जारी है। भैया एक मिनट आओगे, स्टेयरिंग का और बता देते हैं आपको। लो भाई भैया समझ में आ गए हैं, और उसमें जैसे एग्जांपल दिया तो उसमें साइड से ना बार था, वो टगिन नहीं था, तो भैया कह रहे हैं इसमें टगिन हो जाएगा, चलो जी कर दो भाई। ये रो जी सीट कवर हो गए तैयार, ये कैमरे में भी ज़्यादा दिख रही सिलवट है, रियल में बहुत कम है लेकिन कैमरा बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। ये वाली सिलवटें जो दिख रही हैं कैमरे में कुछ ज़्यादा ही दिख रही, वैसे तो ठीक है, थोड़ा खींच दो इनको कम कर। अच्छी वाली सीट का है, सीटिंग वाला सोफा इसमें चल रहा है और ये चल रहा है। चलो जी अपने ब्रेजा के 70 मैट भी आ गए हैं, निकाल के दिखाते हैं आपको। ये है जी वेलक्रो भी है और ये बटन भी है, लगने के बाद ही पता लगेगा सही तो कैसे है ना। अच्छा निकाल के, ये कोई यहाँ पर वो थी ना टेप थी वो खड़ी हुई है ना भाई, एक मोबाइल होल्डर भी लिया, अंदर बैठ के दिखाऊंगा आपको। और पिछली सीट लग गई है, 70 मैट भी लग रहे हैं, सेंटर आर्मरेस्ट मंगवाया था लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में लगाएंगे, वही फिक्स रेट है उसका 600 रुपये। और सीट कवर्स लगे हैं, इनका रेट बताता हूँ अभी बार्गेनिंग करने के बाद रियली कितने के लगे। ये लो जी बताओ सोफे वाली पीछे वाली सीट कैसी लग रही, ये भाई सिलाई चल रही है स्टीयरिंग कवर की, लो जी काम डन हो गया है, पैसे पड़े हैं इतने 9750, स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे अलग अलग भी बता ही दूंगा मैं, और सीट कवर्स दिखाऊँ आपको वाइड एंगल कर ले, वाइड एंगल में पूरी गाड़ी के एक साथ देख पाओगे आप। ये देखो जी, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं। ब्रेजा के सीट कवर हैं बकेट फिट, आई थिंक काफ़ी किफ़ायती रेट में है, और कैमरा वैमरा भी लग गया है, बस एक ही चीज़ बची है सेंटर आर्मरेस्ट, बाकी लगभग गाड़ी कंप्लीट है। और स्टीयरिंग कवर उस साइड से जाके दिखाता हूँ, ये 70 मैट ये लगे जी 2400 रुपये के 70 मैट जो हैं, और ये है कवर, स्टीयरिंग कवर देख लीजिए आप 400 रुपये का। अभी चाबी बाहर है, कैमरा लग गया है, सीट कवर लग गए, सीट कवर लगाए हैं 4500 रुपये के, बकेट फिट है ये ऑपरेशन के साथ है, ये देखिए 400 रुपये के, 400 रुपये का स्टीयरिंग कवर, 2400 रुपये के 70 मैट, 4500 रुपये के सीट कवर, और 2200 रुपये का कैमरा। ये था जी आज का टोटल, ओह ये तो बताना भूल ही गए, देखिए मोबाइल होल्डर 2500 रुपये का, ये सारे बार्गेनिंग के बाद है। तो ये थी जी आई थिंक काफ़ी किफ़ायती रेट में सीट कवर वगैरह लगे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है नापा के 4500 रुपये में पॉकेट फिट, और लगभग 2 घंटे लगे अपने को सारा काम करवाने में। तो होपफुली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जिस भी भाई के पास ब्रेजा है तो इस तरह का काम करवा सकता है चंडीगढ़ में, हमारा काम हुआ है डी के मोटर से, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ये सेक्टर 28 में काम हुआ डी के मोटर से, यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी ठीक काम किया मुझे तो ठीक लगा, बाकी फ्यूचर में देखते हैं और कुछ भी होता है क्या।
चलो जी अभी चलते हैं। बोले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करें, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।